नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। डॉक्टर नमन मिश्रा हैं, आज फिर से तैयार हैं। एक खबर आज फिर से हमारे स्ट्रेचर पर है। खबर है कि मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिसको साथ नहीं पाए नीतीश कुमार और न ही साथ पाई भाजपा। भाजपा चाह रही थी जिस समीकरण को साधना, वहाँ नीतीश कुमार ने जाकर के इंटरफेयर कर दिया और नीतीश कुमार जिस समीकरण के बदौलत बिहार में अपनी छवि को और मजबूत करना चाह रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के पहुंच जाना चाहते थे, स्कोर वोट को लेकर के उसे भाजपा ने नहीं साधने दिया। भाजपा ने वहीं जाकर के फुल स्टॉप लगा दिया। अब कौन से समीकरण की बात कर रहे हैं हम, तो ये बात तो आप भी जान गए होंगे, लेकिन नहीं जाने हैं तो चलिए ना, डॉक्टर साहब ही हैं तो कंपाउंडर क्या बोले। तो सर, किस समीकरण की बात हो रही है, कैसे नहीं साधने दिया और क्यों नहीं साधने दिया? धन्यवाद सुमन। पहले तो हम दर्शकों से माफ़ी मांगेंगे कि एक दिन का एब्सेंटी बिना एप्लीकेशन के जी। तो कल महामृत्युंजय का हमने रुद्राभिषेक जो हुआ वो वहाँ मौजूद थे बाबा परमेश्वर की धरती में। और देखिए, बिहार में ऑब्वियसली राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा था इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मंत्रिमंडल के विस्तार में हमने बहुत सारी कमियाँ देखी जी। अब होता क्या है कि दो पार्टियां हैं, दोनों में पावर का टसल है, लड़ाई है जी बिल्कुल। और ऑब्वियसली भाजपा बड़ी भाई है जी, तो बड़े भाई के तौर पर भाजपा अपने पावर की प्रैक्टिस ज़्यादा करेगी जी, और ये अंडरस्टूड भी है बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि ये खून के रिश्ते के बाड ऑफ ब्लड नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार ही तय कर लेते हैं और जीवन भर वही निभाते हैं जी। कुछ दिनों पहले ये रिश्ता उल्टा था जी, नीतीश कुमार बड़े भाई थे और भाजपा छोटे छोटे भाई, इसीलिए ये असहजता जी। जब भी आप बड़े भाई के अंडर में छोटे भाई को काम करते देखिएगा तो सहजता दिखती है जी, लेकिन छोटे भाई के अंदर में बड़े भाई को अगर काम करते देखिएगा ना तो राजद कार्यालय वाला हाल हो जाएगा। राजद कार्यालय वाला हाल हो जाएगा। देखिए, खैर उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे आज पंचनामा में उस समीकरण की, जिस समीकरण का इंतजार इस मंत्रिमंडल के विस्तार से सभी को था जी। देखिए, ऑब्वियसली एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, जिस वोट बैंक को रामविलास साधते थे जी। इसी वोट बैंक में नीतीश कुमार ने एक बार सेंधमारी की थी, आपको याद है हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, महादलित और दलित जो डिवीजन नीतीश कुमार ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से वो वोट बैंक रामविलास पासवान के पास से बड़ा वोट बैंक खिसका। लेकिन आज भी जो एक बिहार की बड़ी जाति है, पासवान जाति, जिसके आसपास बड़ा वोट वर्ग है, वो उसको खींचती है। देखिए, दलितों महादलितों में कहा था कि पासवान सरपंच होता है जी। तो एक कहावत है गांव में, पासवान सरपंच, ऊपर आसमान नीचे पासवान, नीचे पासवान। क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसी जाति है जिस जाति के आसपास छोटी जातियां संरक्षण खोजती हैं, जैसा कि सामंतवादी व्यवस्था में पहले था बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे सब डिविजन बनाए रखे थे और उसका एक बड़ा जो चंक ऑफ वोट्स था वो आपके पासवान, यानी जो अब हालांकि वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एक मर्यादित भाषा में पासवान लोग कहते हैं और हम वो अंडरस्टूड लैंग्वेज है जी। इस वोट बैंक में नीतीश कुमार जब एंट्री कर गए, सिंधमारी उन्होंने की, तो रामविलास पासवान को हमने लड़खड़ाते देखा था बिहार की राजनीति में, और फिर उन्होंने रीगेन किया और फिर 2005 का सिचुएशन था, याद आपको, चाबी उनके जब हाथ में आई तो ताकत रामविलास पासवान की फिर दिखी। लेकिन नरेंद्र सिंह ने फिर जो झटका दे दिया, सारे विधायकों को लेकर नीतीश कुमार के पाले में चले आए, तो वो फिर हमने देखा कि वहां से फिर वो एक बड़ा हिस्सा था नीतीश कुमार के पार्ट ऑफ रिटेलिएशन का बिल्कुल, और उनके उदय का भी एक बड़ा कारण है वो घटना, बहुत बड़ी, यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अपने पिता के जीवन और राजनीतिक अंत की तरफ जब रामविलास पासवान बढ़े तो चिराग पासवान को वो बातें याद आई जी। वही चिराग पासवान दिल्ली में जाकर बड़ाई करते बिहार के कार्यों की, और जब वो बिहार में आए तो बिहार में उन्होंने एनडीए में इज्जत मांगा, सम्मान मांगा, नीतीश कुमार से बराबर की भागीदारी मांगी, नीतीश कुमार की कमियां गिनाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया और नीतीश कुमार को हराने के लिए वो सारी चीज़ें की जो कि चुनाव में जरूरी थी। और नीतीश कुमार को इस बात का इल्म भी है क्योंकि उनको उससे घाटा हुआ है। क्यों हुआ, मैं बार बार से कहता हूँ कि क्यों हुआ, क्योंकि उस 8% के आसपास वोट बैंक के मालिक तो है ना जी चिराग पासवान। अब मैं मालिक बोल रहा हूं तो मैं बिहार के अलावा किसी और राज्य में ये शब्द यूज नहीं करता जी, लेकिन बिहार में मैं यूज करूंगा। MY समीकरण किसके पास है, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल।
आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, आपको पता है कि सवर्ण किसे वोट करता है जी। अगर नहीं भी पता हो तो आपको समझाया गया है जी। आपको पता है कि मुसलमान किस तरह वोट करता है, बना हुआ है। और मुसलमान अगर वोट नहीं करता एक तरफ तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी जी 5 सीट लेकर आते हैं जी? नहीं, संभव था जी? नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, छोटे छोटे समीकरणों को भाजपा बिहार में तोड़ने का और जोड़ने का कोशिश करती है, इसी हिसाब से ताकत मजबूत की। 2015 में भाजपा ने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था वो 2020 में आकर 21 में आकर सक्सेसफुल थोड़ा बहुत हुआ जी। आगे चल के और सक्सेसफुल हो सकता है। 20 में भाजपा ने, 15 में भाजपा ने क्या किया था? सन ऑफ मलाह को उठाकर लाए थे, पप्पू यादव को कहा गया कि बी टीम है, ओवैसी को उठाकर लाए, अखिलेश यादव को उठाकर लाए। किसके लिए लाया गया? उस महागठबंधन को कमजोर करने के लिए जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस थी, जिसमें एक मुश्त बड़ा वोट बैंक MY और लवकुश साथ में था, साथ में। और कांग्रेस के हिसाब से ये मान गया कि कांग्रेस पुरानी सवर्णों की पार्टी है, तो कांग्रेस को सवर्णों को खींच के लेगी जी। तो अपने सारे समीकरण साथ दिए थे ना जी। अगर बिहार में भाजपा के व्यवसायी नहीं होते वोटर, तो भाजपा उबर नहीं पाती जी। और वही व्यवसायियों ने भाजपा को उबारा। अब उबरते उबरते आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे पास दो बड़े समीकरण हैं जी। एक समीकरण जिसे तेज प्रताप तेजस्वी यादव और उस राजद साधने की कोशिश कर रही है, MY समीकरण। दूसरा एक बड़ा समीकरण है जिसे नीतीश कुमार साधने की कोशिश कर रहे हैं अपने लवकुश समीकरण के तहत जी। बिहार में कितने कुशवाहा जीत कर, आपने उसी परसों ही छोटा खबर की थी रात में, आपने बताया था समीकरण की कुशवाहा क्यों इंपॉर्टेंट इस बार हो जाते हैं जी। क्या बताया था आपने? अगर बात करें तो बिहार में अगर कुशवाहा जाति को देखें तो महागठबंधन खेमे में ही जो है 9 के आसपास कुशवाहा, यानी कि कुल 16 कुशवाहा जो जीत करके आए थे, जिसमें महागठबंधन में 9 कुशवाहा। यादवों के बाद तो ये सबसे बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी मतलब जमात है जो रिप्रेजेंटेशन कर रही इस बार जी। तो इनको रिप्रेजेंटेटिव भी तो चाहिए, बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गोज कोन को हैंड इन हैंड जी। अब इसके हिसाब से क्या दिक्कत है कि बिहार में कुशवाहा जाति के वोटरों को भी जगाना है, लवकुश की दोस्ती भी दिखानी है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मित्रता जब एक जगह होती है, एक जगह बैठते हैं, तो ये चीजें सदने लगती हैं जी। लेकिन एक मुश्त तो नहीं होगा ना जी। नीतीश कुमार के बारे में हमें खबर लगी, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को एंट्री कराना चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने पार्टी की दो कमान राज्य की और राष्ट्रीय स्तर की दोनों लॉकर्स के हाथ कर दी, RCP सिंह और उमेश कुशवाहा। बिल्कुल। तो इन दोनों के हाथों में जब लॉकर्स के हाथ में चला जाता है बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का और राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको नहीं समझ में आप कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कौन सा समीकरण साध रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे समीकरणों के आधार पर जमा खान को जोड़ देना, मंत्री बनाना, हाँ, और चिराग पासवान के एकमात्र विधायक पर भी डोरे डालना, कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालना, ये सारा उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें नीतीश कुमार चिल्लर इकट्ठा करके रुपया नोट बनाना चाहते हैं। अब सुमित सिंह को ही देख लीजिए ना, नरेंद्र सिंह जो अभी आपने एक बात दोहराई थी, ऐतिहासिक जो घटना हो गई थी 2005 में, अगर देखें नरेंद्र सिंह एक बड़ी भूमिका में थे और उन्हीं के पुत्र हैं सुमित सिंह, तो इस बार उन्हें नीतीश कुमार जोड़ करके उन्हें मंत्रिमंडल। देखिए नरेंद्र सिंह के बारे में बता दूं आपको कि RCP सिंह की जब एंट्री हुई थी जदयू में तो नरेंद्र सिंह काफी नाराज हुए थे जी। और आप समझिए नरेंद्र सिंह किसके माध्यम से वापसी कर रहे हैं, अशोक चौधरी के माध्यम से। अशोक चौधरी किस गुट के हैं, अशोक चौधरी किससे नहीं पट रहा है अभी जी, ज्यादा इसमें भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा इसमें भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समीकरण पे हम अब पहुंच चुके हैं, यहाँ आपको समझ में आ गया कि कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये वोट बैंक 8% से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा का है कुशवाहा केवल, तो इस वोट पर नीतीश की नजर है और यही वोट प्रतिशत एग्जैक्टली चिराग पासवान के पास भी है। भाजपा चाहती है कि चिराग के इस वोट बैंक को अपने पास रखें, इसके लिए केंद्र में भी स्थान देना होगा और राज्य में भी स्थान देना होगा। जब एकमात्र विधायक वाली राजद को मिल सकता है झारखंड में मंत्रिमंडल में जगह, तो बिहार में भी चिराग पासवान को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने काम किया है और इसकी वजह से भाजपा भी चाहकर नीतीश कुमार को मतलब दुखी नहीं करना चाहती। बिल्कुल। चिराग पासवान को जगह नहीं, और चिराग पासवान को जगह नहीं, केंद्र में तो दे सकते हैं जी, उसके लिए लड़ाई जरूर होगी, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए बहुत ज्यादा भाजपा को दोषी ठहरा सकते हैं। नीतीश कुमार लेकिन हाँ, जब इतना अग्रेसिव हो जाने नीतीश कुमार अपने समीकरण को साधने के लिए, तो उनके समीकरण को थोड़ा सा ठोकर तो पहुंचाया जा सकता है ना जी। अगर चिराग पासवान की इस महागठबंधन में, अगर चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की इस गठबंधन में एंट्री होगी जी, तो उपेंद्र कुशवाहा की भी होगी। बिल्कुल। देखिए पर्दे के पीछे तो खेल हो गया है, सामने सामने हमने खुलकर ये बात जरूर कह दी, बिल्ली घर में घंटी बांधने जैसी स्थिति है, लेकिन सच यही है कि सामने सामने केवल हम ही ये बात कह रहे हैं
कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री केवल इस वजह से नहीं हो पाई है कि वोट प्रतिशत एक बराबर है चिराग के जैसा उनका, और उसी वोट प्रतिशत को कंपनसेट करने के लिए नीतीश कुमार उनको लेकर आ रहे हैं अपनी तरफ, उस लॉ को समीकरण को जोड़ देने पे, जानते हैं धानु और कुर्मी के साथ इतनी जातियां सब जातियां हैं, जैसा कि दावा करते हैं ये मुकेश सहनी, इनकी उपजातियां इनके साथ है, चाहे वो नुनिया बिंद वगैरह जो बेलदार, तो वो समीकरण जब एक जगह आता है तो 10% से ऊपर 12% 14-15% भाग लगता है, समझिए, तो बड़ा समीकरण हो जाता है, एक भी वोट टूटेगा नहीं, फिर सारे वोट एक जगह आएंगे, तो इसी समीकरण को नीतीश साधना चाहते थे, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बातें स्पष्ट हो गई कि चिराग पासवान को आप बाहर करके उपेंद्र कुशवाहा को अंदर करेगा तो कोई संभव नहीं है, क्योंकि जो काम चिराग पासवान ने आज आपके लिए किया है वही उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा के खिलाफ पहले किया है और अब भी करते आ रहे हैं जी। आज भी देखिए कि चिराग पासवान, माफ कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जो वोट लाया है वो बहुत जीत के नहीं आए कहीं से जी। कहीं उनकी जीत नहीं हो पाई, लेकिन उनके गठबंधन से 6 विधायक जीत के आए थे ना, 6 विधायक जीत करके आए, बड़ी बात है। और उनके गठबंधन में वोट प्रतिशत जब हम देखते हैं तो उन्होंने बहुतों को डैमेज कर दिया, बहुत लोगों को जी। यानी उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत है, बिल्कुल, भले ही उनकी पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही हो सदन में, लेकिन उनकी पार्टी की अहमियत है, और इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं, और जब लौकुश को एक करने की बात होती है, यानी लौकुश भी हो जाए एक और राम भी एक हो जाए, ये संभव हुआ था क्या? जी नहीं, ये संभव नहीं हो पाया था, इतिहास ही में ही हमने देखा था कि इसके लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए, असमय का घोड़ा पकड़ा गया, राम और लौकुश एक हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई समीकरण बचता ही नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान के माध्यम से अमित शाह ने एक बड़ा गेम खेल दिया है, और चाह कर भी नीतीश कुमार इस गेम का काट वर्तमान परिस्थिति में कम से कम चुनाव तक जो चुनाव पर नजर है उनकी, एक चुनाव नहीं, बंगाल, यूपी, असम, फिर दिल्ली, इन सारे चुनावों में वो समीकरण का काट नहीं ढूंढ पाएंगे, 21-22 तक कोई जुगाड़ नहीं उनके पास। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा के दौरान एक बड़ी बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पर फिर से जो अमित शाह ने एक बॉर्डर्स की बात करते हैं, एक लाइन जो कहते हैं, उस लाइन को ड्रॉ कर दिया है नीतीश कुमार के सामने, और नीतीश कुमार के लिए इस लाइन का काट ढूंढना अभी फिलहाल जो है चुनाव तक मुश्किल होने वाला है। लेकिन यही नीतीश कुमार हैं जो उपेंद्र कुशवाहा, माफ़ कीजिएगा, हम उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान के वोट बैंक में जब महादलित और दलित में डिवीजन करके नीतीश कुमार उनकी वोट में पहले भी सेंधमारी कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के समीकरण में चिराग पासवान के लिए सेंधमारी कर पाना अभी मुश्किल होगा, और यही बात जो है भाजपा के लिए भी मुश्किल होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव तक, और ये चुनाव बंगाल चुनाव ही नहीं, दिल्ली चुनाव तक जो है ये बातें धरातल पर होती हुई, दिल्ली, यूपी, असम, अभी बहुत कुछ है। बड़े रहे बात लाइव के साथ, जहां जहां चुनाव होगा सारी बातें दिखाएंगे, क्या कुछ रणनीति होती है बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक जो है पहुंचाएगी। बड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।